गुड आफ्टरनून बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पाँचवीं में हिंदी विषय में पाठ छः हंसी का पिटारा उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, पाठ सुनते ही मजा आया ना, हंसी का पिटारा। इस पाठ में हंसने जैसे कुछ चुटकुले दिए हुए हैं। चुटकुले यानी जोक्स, गुजराती में जोक्स कहेवामां आवे छे। जोक सांभळवा बहु गमे छे ने, के जेनाथी आपणे हसवानुं बहु आवे छे। तो तेना पहेला आपणे थोड़ी माहिती मेळवी कि हसवुं बहु जरूरी छे। हसवाथी शरीरने घणा बधा फायदा थाय छे, केटलीक बीमारीओ पण दूर थई जाय छे अने मन हमेशा प्रफुल्लित रहे छे। एटला माटे हसवुं खूब जरूरी छे अने जे आपणे जोक्स द्वारा वधारे हसवानुं आवतुं होय छे। तो बाळ दोस्तो, हवे आपणे एवा केटलाक जोक्स विशे जोईए। हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नहीं उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों, अभी हमने देखा हंसने से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। कई बार तो कई बीमारी ऐसी होती है जो हंसने से भी कम हो जाती है, और हंसने से हमारे में नया उत्साह उमंग आ जाता है। तो हमें हंसना चाहिए। अब हम कुछ इसके चुटकुले देखेंगे। देखो, पहला है जिसमें चित्र दिया हुआ है। देखो बेटा, देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अब यहाँ पे माँ है, वो बच्चे को बोल रही है कि यहाँ पे मैंने गेहूँ सुखाने को रखा है, कहीं गाय आकर ना खा जाए, ऐसा बता रही है। तब बेटे ने बोला, अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि अरे अरे, यहाँ पे तो गधा या गेहूँ खा रहा है और तुम इसे हटा नहीं रहे हो। तब आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। देखो यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया ना। मम्मी ने तो गेहूँ सूख रहे तो उसको ध्यान रखने के लिए बोला था, पर उस समय मम्मी ने गाय का नाम ले लिया, तो बच्चे ने ध्यान में रख लिया और उसने गाय का इंतज़ार किया कि गाय कहीं गेहूँ ना खा जाए। और यहाँ पे तो गधा खा रहा है, तो उसकी मम्मी देखकर चिल्लाने लगी, पर उल्टा बच्चे ने तो जवाब दिया कि आपने तो गाय का बोला था, गधे का नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब आगे देखिए, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, अब दो दोस्त साथ में मिलेंगे तो पता ही है कि पढ़ने के साथ बातें भी बहुत होती है ना, आप लोग भी करते हो ना। तो उसमें पहला दोस्त है, वो बोलता है, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। देखो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, दीपक मिठाई नहीं खाता। तो पहला दोस्त इसमें से दीपक क्या है वह ढूंढने को कहता है व्याकरण की दृष्टि से। तब दूसरा दोस्त बोलता है, मूर्ख। हाँ देखो यहाँ पे व्याकरण के बारे में पूछा है और दूसरा दोस्त मूर्ख बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीपक को मिठाई पसंद नहीं है, इसलिए उसको मूर्ख बताया है। पर व्याकरण की दृष्टि से दीपक है वह एक संज्ञा है। तीसरा देखिए, मालिक ने कहा नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। वो तो हर एक मालिक की आदत रहती है ना, आपने देखा ही होगा। तो नौकर थोड़ी देर बाद आया, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ। देखो कैसा नौकर है, बिल्ली दूध पी रही है तो भी नहीं भगा रहा है, क्यों? मालिक ने अभी बोला था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। अब ये कोई बात हुई कि बिल्ली दूध पी रही है और वह भी मालिक को पूछने जाए? तो नौकर ने भी मालिक को बिना पूछे कुछ काम नहीं किया, मतलब बिल्ली को नहीं भगाया। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? दुकानदार इशारों में वह व्यक्ति को कुत्ते का बिस्कुट बोला, मतलब कुत्ता ही बना दिया। बच्चों कई बार ऐसा होता ही है। आगे देखिए, रामू श्यामू को देखकर, क्यों भी गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, देखना श्यामू मूर्ख हो क्या, या गधा नहीं कुत्ता है। देखो श्यामू भी बड़ा शाणा है।
उसने कहा कि मूर्ख लग रहा है, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो राम ने बताया, मैं कुत्ते से ही तो पूछ रहा हूँ। देखो उसको गधा बना दिया। और कुछ चुटकुले हैं देखिए। मालकिन ने कहा, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना, पता है ना धूप ले, धूप यानी क्या पूजा में जो उपयोग करते वह। रामू ने कहा, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए थे। देखो उसको धूप लाने के लिए, वो धूप बादल में रहती है वो वाली नहीं, पर उसने तो ऐसा ही बता दिया कि कहाँ से लाता, वो धूप थोड़ी ना ली जाती है। तो ऐसा है। आगे देखिए, अरविंद ने कहा, अंकल सॉरी अरविंद ने कहा, अक्ल बड़ी या भैंस। वर्षा ने कहा, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है। देखो यहाँ पे भी बात ये क्या हुई, अरविंद पूछता है कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो वर्षा ने बता दिया कि भैया पहले जन्मदिन बताओ तो पता चलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, भैंस की जन्मदिन की तारीख मिल जाए पर अक्ल की थोड़ी ना मिलती है। अमित ने कहा, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता। सुमित ने कहा, निकलता तो है। देखो अभी दोनों में बात हो रही है, तो वो एक बता रहा है कि रात को सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता, तो वो सुमित बताता है कि हाँ दिखाई देता है। अमित ने कहा, फिर क्यों नहीं दिखाई देता, तो सुमित ने बताया कि अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा, अभी तो इतनी तो अक्ल होती है ना कि रात को अंधेरा रहता है तो सूरज थोड़ी ना दिखाई देगा, पर ऐसी बातें हो जाती है। पिता ने कहा, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे। तो बेटे ने जवाब दिया, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। सोने की लंका यानी यहाँ पे सोने की बात की है, परंतु बेटे ने कैसा जवाब दिया, कुंभकर्ण के जैसे, कि कुंभकर्ण सोने वाले थे, कुंभकर्ण 6 महीना सोता रहता था, इसलिए यहाँ पे बेटे ने जवाब दिया कि कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे, इसलिए सोने की लंका कहते होंगे। पर यहाँ पे उस बारे में नहीं पूछा गया था। तो कई बार ऐसी बातें सुनकर भी हंसी आ जाती है ना बच्चों। तो चुटकुले सुनने से हमें बहुत ही मज़ा आता है और हंसी भी आती है। अब एक ऐसा ही चुटकुला सुनाती हूँ। आजकल आप लोग बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते होंगे, तो है ना, एक बच्चे ने एक बार बोला ना, अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल जाना नहीं पड़ता है, और शायद स्कूल आना भी पड़े तो एक बच्चे ने बोल दिया, स्कूल जाने की बारी आएगी तब मैं स्कूल के गेट पर जाऊंगा और वहाँ पे छींक दूंगा। तो क्या हुआ, मतलब वापस घर पे भेज देंगे, इसको कोरोना है तो इससे मैं बच जाऊँगा। तो कई बार बच्चे भी ऐसी शरारती कर लिया करते हैं। आपको यह चुटकुले हंसी का पिटारा पाठ पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।